पहले तो मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया कि मैं काम करूं क्या। ठीक है, आपकी बात को लेते हुए कि अब मैंने उस सारे सिनेरियो के अंदर मैंने अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए ना, पहले तो मैंने ये चीज़ सोची कि मैंने करना क्या। ठीक है, मुझे इन सारे टाइम ड्यूरेशन में पता ही नहीं लग रहा था कि मैं करूं क्या। लेकिन एट द एंड आपकी वही बात मेरे दोबारा माइंड में आ रही थी कि काम वो करना जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। बिल्कुल बिल्कुल, उस फील्ड को चूज करना, ना कि काम इसलिए करना कि मैं पैसा अर्न कर सकूं, बल्कि काम इसलिए करना कि मार्केट के अंदर रहकर अपनी एक पहचान बना सकूं। पैसा आ ही जाता है अगर आप प्रोडक्ट्स और क्वालिटीज को बरकरार रखते हैं। बिल्कुल, तो इस सारे टाइम ड्यूरेशन के अंदर मैंने फाइनली एट द एंड एक प्रोडक्ट को चूज़ किया जो कि एक परफ्यूम से रिलेटेड है। अच्छा, मैंने परफ्यूम्स को अब स्टडी करना शुरू कर दिया, सर्च करना शुरू कर दिया कि मैं आया, क्योंकि मुझे इसका एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं था। मार्केट के अंदर उतरा, फील्ड में उतरा, फील्ड में जाने के बाद मैंने डिफरेंट लोगों से मिला, डिफरेंट कंपनी से मिला, डिफरेंट ब्रांड से कोऑर्डिनेट किया। डिफरेंट ब्रांड्स, ऑब्वियसली मैं ये भी बताता चलूँ कि मैं डिफरेंट ब्रांड्स यूज़ भी कर चुका हूँ। अच्छा अच्छा, क्योंकि जैसे मैंने बताया मैंने स्कूल लाइफ से ही परफ्यूम लवर रह चुका हूँ, डिफरेंट परफ्यूम्स को, इतर्स को यूज़ कर चुका हूँ, उसको अप्लाई कर चुका हूँ और नॉर्मल रूटीन में यूज़ कर भी रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि खुशबू लगाना भी, मैं ये भी बात बताता चलूँ, खुशबू लगाना हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक से है। बिल्कुल, तो ये मुझे जो मेरा माइंडसेट फाइनली एट द एंड इस पॉइंट पे आके रुक गया कि इससे बेहतर और पकीजा और पाक काम हो ही नहीं सकता। ओके, अगर हम इसको ईमानदारी से करें तो। राइट, यानी इंस्पिरेशन आपने इस बात से ली है कि ये सुन्नत है। Exactly. वाले सल्लम अगर इसको यूज करते थे तो फिर इसी को जो है ना आपने आगे ले जाना मुनासिब समझा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली जी, तो जब मैंने इसको फाइनली चूज कर लिया, फिर मैंने मार्केट के अंदर विजिट करना शुरू कर दिया, डिफरेंट ब्रांड्स को स्टडी करना शुरू कर दिया कि वो किस तरह काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं लोकली। लोकली ओके, लोकली मार्केट में भी। और उसके बाद मैंने जॉब से रिलेटेड, मैं ये भी पॉइंट क्लियर करता चलूँ कि मैं UAE भी गया। ओके, वहाँ पे भी मैंने डिफरेंट ग्रुप्स के साथ काम किया अपनी फील्ड से ही रिलेटेड। ठीक है, लेकिन फाइनली मुझे उसके अंदर भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रही थी कि मैंने MSc करने के बाद भी किस पॉइंट मिड पॉइंट पे खड़ा हूँ और इन फ्यूचर मैं किस पॉइंट पे जा सकता हूँ। ठीक है, कि क्या अचीव करना चाह रहा हूँ, क्या करना कर सकता हूँ। लेकिन फाइनली एट द एंड मैंने बिजनेस को ही प्रेफर किया, आपकी बात को रिलेटेड, आपसे आपकी बात से इंस्पायर होके बिजनेस को ही चूज़ किया। चले, ये तो बहुत अच्छी बात है गामिर साहब, आप अगर इस चीज़ के ऊपर मुत्तफिक है कि जॉब्स जॉब्स होती है। एग्जैक्टली, हमारे जितनी भी इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जिसके पीछे दुनिया पागल हुई हुई है और भाग रही है, एग्जैक्टली, एंड दैट इज़ द जॉब। और जॉब मैं अपने हर प्रोग्राम में डिस्करेज करता हूँ कि डोंट रन आफ्टर द जॉब्स। एग्जैक्टली, अगर आपने अपने पाँव पर खड़े होना है तो फिर आपको यू हैव टू जस्ट थिंक लाइक कि आपने अपना बिजनेस करना है, अपने पाँव पर खुद खड़े होना है। Exactly. जी, उसके बाद फिर क्या हुआ जी? सर, मैंने फिर फाइनली उसको डिसाइड ही कर लिया कि बस जॉब ही करनी है। अब स्टडी के बाद मैंने जॉब नहीं करनी, सिर्फ बिजनेस करना है। ओके ओके, उसके बाद मैंने जब लोगों को मिलना शुरू किया, मुझे फील्ड में जाके कुछ डिफिकल्ट हर्डल्स को भी फेस करना पड़ा। ओके, काफ़ी चीज़ों को फेस करना पड़ा, लेकिन एट द एंड मैंने इस बिज़नेस के अंदर अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करना शुरू कर दिया। ओके ओके, मैंने अपना MM सेंस हब के नाम से एक ब्रांड लॉन्च किया। और लोकली मार्केट को कम्पीट कर, उसके अंदर जा के मैंने देखना शुरू किया कि लोग क्या काम कर रहे हैं। इवन के मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि मार्केट के अंदर ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं जो 300 रुपीस का भी परफ्यूम आपको फिल आउट करके। बिल्कुल, मैं इसको सेकंड करता हूँ जी, कि बिल्कुल आई कैन अंडरस्टैंड, ये मेरा अपना प्रैक्टिकल भी है इसमें जी। एग्जैक्टली, तो जो मैंने उन चीज़ों को भी मैयर करना शुरू कर दिया, देखना शुरू कर दिया, गो थ्रू करना शुरू किया, स्टडी करना शुरू किया कि आया कि आजकल की करंट जो सिचुएशन चल रही है, हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन चल रही है, उसके अंदर 300 का हाउ इज इट पॉसिबल कि 300 का परफ्यूम कैसे फिल आउट हो सकता है। तो जब मैंने उसको देखा तो एक वो थर्ड क्लास, एक जिसको बोलते हैं ना थर्ड क्लास, वो भी नहीं, चीपेस्ट किस्म का वो
जो परफ्यूम फिलिंग कंपाउंड्स हैं उसको यूज़ करें, जो आपकी सेंस ऑफ स्मेलिंग भी है, जो ब्रीथिंग है उसको भी वो डैमेज कर सकते हैं। ऑरा जो है वो भी मेरा ख्याल है कि मैं मुनासिब नहीं रहता है, जो ऑरा हम क्रिएट करते हैं इसके लिए। एग्जैक्टली और वो सबसे बड़ी जो बात है कि आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। अच्छा, ऐसा भी है। वो मैंने आपको बताया सर कि वो थर्डस्ट नहीं चीपेस्ट किस्म का जो प्रोडक्ट है उसको यूज़ करते, प्रोडक्ट जिस डैमेज भी हो सकती है, प्रोडक्ट जिस किस टाइप की मर्जी यूज़ करें लेकिन उसके अंदर ड्यूरिंग परफ्यूम मेकिंग अगर आप कंपाउंड्स ए क्लास ए कैटेगरी के नहीं यूज़ करेंगे तो वो आपकी ब्रीथिंग को भी अफेक्ट कर सकती है, आपकी सेंस ऑफ जो स्मेलिंग है उसको भी डैमेज कर सकती है। एक मैं ये भी बात क्लियर कर करना चाहूँगा कि जो सेंस ऑफ स्मेलिंग है ना एक नॉर्मल पर्सन की, एक ह्यूमन बीइंग की, एक आम इंसान के सेंस ऑफ स्मेलिंग वो जस्ट 29 मिनट्स है। ओके, ड्यूरिंग अगर आप उसी परफ्यूम को बार बार आपने 300 का, अब फॉर एग्जांपल मार्केट गए, लोकली मार्केट में जाके आपने 300 का एक परफ्यूम किसी भी शॉपकीपर को आपने चूज किया, ठीक है, आपने उसको प्रोडक्ट दी, आपने उसको कह दिया जी मुझे ये इस नेचर का, इस स्मेल का, इस सेंस ऑफ स्मेलिंग का परफ्यूम चाहिए। ओके, उसने कहा जी 300, आफ्टर बार्गेनिंग ऐसा भी मैंने देखा कि वो 300 में भी एग्री कर जाते हैं करंट इकोनॉमी सिचुएशन। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। आपने आप तो ऑन द टाइम बड़े खुश हुए जी 300 में मुझे 50 ml परफ्यूम मिल रहा है, ठीक है, मेरा पूरा मंथ इजी टू मैं वेयर करूंगा व्हाटएवर। लेकिन जब आपने परफ्यूम को ले लिया, आपने प्रोडक्ट को, आपने उसको बता दिया मुझे ये चाहिए, आप उसको ले आए घर ले आए, तो मैंने आपको बताया कि 29 मिनट्स के बाद आपकी जो सेंस ऑफ स्मेलिंग है वो डेड होना शुरू हो जाती है। अच्छा, और जब मैं फील्ड में उतरा मैंने इतनी ब्रांड्स के, इतनी कैटेगरीज के परफ्यूम्स को स्मेल किया, टच किया, फील किया, यूज़ किया कि मेरी सेंस ऑफ स्मेलिंग ना विद इन 20 मिनट्स के बाद ख़त्म होना शुरू हो गई। और मेरे टाइम ड्यूरेशन ऐसा आ गया कि मुझे 2-2 डेज के अंदर सेंस ऑफ स्मेलिंग नहीं आ रही थी, ये चीज़ हो रही थी। लेकिन जब मैंने इसको दोबारा गो थ्रू किया, सारा स्टडी किया, इस टाइम ड्यूरेशन में यकीनन आपसे भी बात हुई होगी, जब आपने मुझे बताया कि बेटा जितना चीपेस्ट किस्म का प्रोडक्ट आप स्मेल करते जाओगे आपकी सेंस ऑफ स्मेलिंग खत्म होती जाए। इससे रिलेटेड मैंने और भी खुद जाके फिर स्टडी किया, एट द एंड मुझे ये पता लगा कि मेरी सेंस ऑफ स्मेलिंग आहिस्ता आहिस्ता जाने लग गई है। अच्छा, तो अगर आप कंपेयर करें प्रोडक्ट को तो वही बात आ गई कि 300 वाला परफ्यूम तो ले लिया, उसको आपने वेयर करना शुरू कर दिया, आप अब आप कह रहे हैं जी लोग आपको कमेंट्स कर रहे हैं, आपको रिव्यूज दे रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट है ना अगर आप उसको वेयर कर रहे हैं ना मैक्सिमम उसकी जो सेंस ऑफ स्मेलिंग है मुझे नहीं आइडिया कि कितनी है, लेकिन मेरी प्रोडक्ट की नॉर्मली अगर कंपेयर टू ब्रांड्स करें उसकी सेंस ऑफ स्मेलिंग जो है, बूस्टिंग जो है, लास्टिंग है, वो मैक्सिमम 8 hours है। ओके ओके, 8 hours प्लस लास्टिंग है, लेकिन उसके अंदर आपको अगर आप डैमेज नहीं करेगी।